नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन में है कि लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, द सर्किल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्किल। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, जिसमें बी सी 8 सेंटीमीटर होगा, ए बी 6 सेंटीमीटर होगा और एंगल बी 90 डिग्री होगा। इसके बाद आपको बी डी पर, बी डी इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी, बी पॉइंट से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उसके बाद उस सर्कल को ऐसे ड्रॉ करना है कि वह बी सी और डी पॉइंट से जाए। उसके बाद आपको बनाना है, उस जो सर्कल बनाएंगे उस सर्कल का एक टेंजेंट बनाना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लेंगे स्केल और यहाँ पर ड्रॉ कर लें बी सी। बी सी इज 8 सेंटीमीटर। आप 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें। यहाँ पर यह 8 सेंटीमीटर की लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद आप चाहे तो कंपास के हेल्प से और चाहे तो आप प्रोटेक्टर के हेल्प से 90 डिग्री का, यहाँ पर ये पॉइंट आपका है बी और सी, ठीक, बी सी से चाहे तो आप प्रोटेक्टर के हेल्प से और चाहे तो कंपास के हेल्प से आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। बहुत आसान है। कंपास से बनाने के लिए पहले आप बी से एक आर्क बनाएं और उसके बाद 60 और 120 से आप इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पर जाएगा। और प्रोटेक्टर से हेल्प करने के लिए यहाँ पर इस पॉइंट से आप रखें, यहाँ पर बी पॉइंट पर ऐसे रख लिया और आपके पास 90 डिग्री यहाँ पर है। आप 90 डिग्री का एक यहाँ पर एंगल ड्रॉ कर लें इस पॉइंट से, यहाँ 90 डिग्री है, इससे आप इसको कर लें ज्वाइन, ठीक, 90 डिग्री हो गया। ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। और यहाँ से अगर आप कंपास के हेल्प से करते हैं तो यहाँ पर आएगा 60 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर कंपास रख करके इस तरह से कर लें एक 60 डिग्री और यहाँ से रख करके एक कट लग जाएगा, यहाँ से लग के दूसरा, आपका 90 डिग्री का इस तरह से एंगल ड्रा हो जाएगा। अब क्या करना है, कंपास लीजिए और सॉरी स्केल लीजिए और स्केल और कंपास दोनों को लेकर के इस पर 6, इसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का रख करके आप एक कट यहाँ पर कर सकते हो, किया जाएगा, या फिर आप यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लें। कंपास इतना ओपन कर लें, यहाँ पर रखें, यहाँ पर रख करके और आप 6 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर दें। 6 सेंटीमीटर हो गया। अब 6 सेंटीमीटर्स को की लाइन आपकी ड्रा हो गई, इसका नाम आपने यहाँ रख दिया ए पॉइंट, ठीक। ए से सी को ज्वाइन कर लीजिए, ए से सी को आप ज्वाइन कर लें, ठीक। आपका राइट ट्रायंगल जो बन गया, यहाँ तक कि आपने जो चीजें थी पूरी कर ली, ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी, ए सी पर बी से एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी। अब यहाँ पर ये तो पता नहीं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो हमारा डी पॉइंट कहाँ होगा इस चीज़ का पता नहीं है। इसका बनाने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप यहाँ रखें और इस लाइन को कट करता हुआ, इस लाइन को, अब जहां जहां से कट हुआ है इसको यहां पर कट कर लीजिए और यहां रख करके इसको इस पॉइंट से इसको कट कर दीजिए, यहां से रख करके इसको, यहां पर ये कट हो रहा है, उस पॉइंट को आप बी से मिला दें, यहां से बी से इसको आपने इसे यहां पर मिलाया इस पॉइंट पर जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका नाम नहीं रखना है कुछ, यहां से आप इसको इंटरसेक्ट करते हैं तो देखिए बिल्कुल आ गया ना यहां पर डी। ये जो डी पॉइंट है ये 90 डिग्री का होगा और तभी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आपको पता है जो जो चीज परपेंडिकुलर होती है
वो 90 डिग्री की होती है। अब ऐसे सर्किल को बनाना है जो डी को भी टच करे, बी को भी टच करे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जब कोई हाफ सर्किल होता है, कोई सर्किल जो होता है हाफ होगा, तो यहाँ से जो बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का पूरा कर देगा, 90 डिग्री को पूरा करेगा। लेकिन हमें क्या होगा, इसको बनाने के लिए रेडियस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बी और सी का हाफ बाइसेक्ट कर दूंगा, इसको मैं हाफ डिवाइड कर दूँ। तो हाफ डिवाइड करने के लिए क्या तरीका है, आप बी पॉइंट पर रखें और एक कट यहाँ लगा दें, और वहीं रखे रखे एक कट नीचे भी लग जाएगा, और फिर ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए हाफ से ज़्यादा ओपन करना है तो यहाँ नहीं आएगा, बल्कि ये हाफ से ज़्यादा ओपन करना है तो ये यहाँ आ रहा है, और इसको आप यहाँ ड्रॉ कर लें। फिर बी पर रखें, बी पर इसको, और यहाँ पर रख करके आप इसको यहाँ से बी पर रख करके ये, लेकिन यहाँ पर लाइन कट नहीं हुई, तो आप क्या करें, थोड़ा इसको दोबारा से इंटरसेक्ट कर लें। कर लिया, इस तरह से ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप कर लें, और यहाँ पर ये लाइन इसको आप ज्वाइन कर दें। ज्वाइन कर लिया, ये 90 डिग्री का हो गया। इस 90 डिग्री से आपने यहाँ पर कर लिया, इसका आपने अब क्या करना है, इस पर बी पर यहाँ रखो, इस पॉइंट का नाम ओ रखेंगे, और यहाँ से देखो इसको भी पूरा कर रहा है और आगे भी पूरा करेगा। तो हमने यहाँ पर बी पर रखा, सावधानी के साथ इसको ऊपर ले जाएंगे, और इसको यहां पर फिर हम यहां से रख ले करके इसका एक सर्किल बनाएंगे। इस सर्किल को बना लेंगे, थोड़ा सा आपको पता है कि व्हाइट बोर्ड पर सरफेस बहुत चिकना होता है तो बनाना बहुत सा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन हम यहां पर इसको बना ही लेंगे। बन गया। अब आपके पास बेटे देखो यहां पर ये तो एक आपके पास टेंजेंट है, लेकिन अगला टेंजेंट कहां होगा ये पता नहीं है, तो यहां से क्या करें, एक्सटर्नल पॉइंट ले जाए, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ओ। ओ से ले गए और ओ और ए को ज्वाइन कर लिया, ओ और ए को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक। इसको ज्वाइन करने के बाद आप क्या करें, इस एक्स्ट्रा लाइन को हटा दें यहां से। अब इसका हाफ बाइसेक्टर किसका, एओ का, एओ का हाफ बाइसेक्टर बनाए और उस पर एक सर्किल बनाएंगे। जब उसको सर्किल बनाएंगे जहां पर इस सर्किल को वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पर आपका टेंजेंट आएगा। देखें इसको लें, आधे ज्यादा ओपन कर लिया, यहां पर रख करके आप एक कट यहां लगा दें और एक कट आप नीचे लगा दें, यहां पर रख करके एक कट आप नीचे लगा दें। सेम ऐसे ही यहां पर रखें एक कट और इसको आप यहां ज्वाइन कर दें, लेकिन ये इसको ज्वाइन नहीं कर पाया तो फिर क्या करना है आपको, यहां पर ऊपर रखें और इसको ले जाएं ऊपर की तरफ, यहां पर ये लाइन आपकी नहीं आएगी, ठीक है। यहां अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लेना है, आपने मिला दिया इसको, यहां पर इसको मिला लिया, क्या बन गया, यहां पर आ गया। अब एक रेडियस बन जाएगा, ये रेडियस बनेगा, इसको आप पहले चेक कर लें, यहां पर ओ पर रखें, ए मिला लें, और यहां पर बी पर मिलेगा ये, यहां पर मिलेगा, और इस तरह से आपका एक सर्किल यहां पर भी ड्रा हो जाएगा।
यहाँ पर फिसल रहा है ये, थोड़ा सा इसको हम ऊपर करेंगे और इसको हमने ज्वाइन करके एक और बना लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइड है इससे ये बिल्कुल कॉमन जा रहा है, ये तो कॉमन हो गया, यहाँ पर ये टच हो रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम, इसका जहाँ पर ये टच हो रहा है इसका नाम हम कुछ यहाँ पे ये पॉइंट एम हो जाएगा, ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ से ए पॉइंट को आप और ज्वाइन कर दें, ठीक। ये यहाँ से ये ट्रायंगल जो है यहाँ आप थोड़ा सा इसको और डार्क कर लेते हैं, ये और ये वाला क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। इसका नाम कुछ रख दें, यहां पर मैं मान के चलता हूं कि इसको T1 रख दिया और इसको मैंने T2 कर दिया, तो AT1 और AT2 क्या हो जाएगा, इस चीज को भी पूरा करता है। इस तरह से आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप BC ड्रॉ करेंगे, फिर आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसको 6 सेंटीमीटर पे कट कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर से कट करने के बाद आप इसका बाइसेक्टर बनाएंगे और जो कि BAC पर परपेंडिकुलर होगा, वहां से आप BC का हाफ ले लेंगे, ये एक रेडियस बनेगा, पहला ट्रायंगल बनेगा ये वाला, सॉरी सर्किल बनेगा, और उसके बाद आप यहां से O पॉइंट से A को ज्वाइन करें और इसका आप हाफ लें, और हाफ लेने के बाद ये रेडियस मान करके आप दूसरा जहां पर ये कट करेगा वहां पर आपका टेंजेंट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जो आपने किया है वही आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, थोड़ा इसमें ज्यादा लाइनें हैं, बहुत ध्यान से एक दो बार आप करेंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छा आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।